Good morning, students. Welcome again in OCI video classes. Today we are going to discuss single linked list. How to insert a node in the beginning of single linked list. Means आज हम ये देखेंगे. वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक यूजर डिफाइंड लिंक्ड लिस्ट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को यूज करके किस तरीके से बनता है, ये मैंने आपको बताया था. लेकिन आज अब हम ये सीखेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट जो पहले से बना हुआ होता है उसमें पहले से जो बनी हुई नोड्स हैं तो उन नोड्स में सबसे पहले नंबर पे एक नई नोड किस तरीके से इंसर्ट की जाती है, तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं कि फिगर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से ये दो नोड है हमारे पास लिंक लिस्ट में. इसमें यहां पर भी डेटा पड़ा है और यहां पर भी डेटा पड़ा हुआ है. और इसका जो भी एड्रेस है, मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 100, तो वो 100 एड्रेस जो होता है वो इसमें होता है. ये तो हम सीख चुके हैं. तो वो एड्रेस आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एड्रेस यहाँ पर स्टोर होता है, क्योंकि इसमें हमारे दो हर नोड में सिंगल लिस्ट में दो पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा इन्फो और एक होता है लिंक. ये दो पार्ट होते हैं. इसी तरीके से इसमें भी इन्फो और एक होगा लिंक. इस तरीके से दो पार्ट होंगे. अब हम चाहते हैं, लेकिन ये नोड जो है वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट की नोड है और ये इसमें क्या होगा, लास्ट में यहाँ पर नल पड़ा होता है और ये हमारी लास्ट नोड है. लेकिन हमें क्या करना है कि इससे भी पहले, मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक नोड, न्यू नोड इंसर्ट करनी है. इस तरीके से न्यू नोड, एक और न्यू नोड इंसर्ट करनी है जो बिल्कुल बिगिन में आए. तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक टेम्परेरी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि स्ट्रक्चर टाइप का होगा. मान लीजिए इसका नाम देते हैं टेम्प. टेम्परेरी वेरिएबल है जो स्ट्रक्चर टाइप का होगा. तो जो एड्रेस हमारी स्टार्ट के पास है, स्टार्ट के पास इसका एड्रेस मान लेते हैं हम 50 है, तो ये एड्रेस जो किसके पास होगा, ये एड्रेस जो होगा वो हमारा स्टार्ट के पास होगा. मैं आपको कुछ बना के भी दिखा देता हूँ. जैसे ये नोड हो गए हमारी 1, ये हो गए 2 और इसका जो ये एड्रेस है, ये मान लीजिए कि ये एड्रेस जो है 50, ये स्टार्ट नाम का स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है उसके पास है. अब करना क्या है कि ये जो एड्रेस है वो इस नोड का है, तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. ऐसे मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखा देता हूं. अब ये एड्रेस जो है, एड्रेस अब हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट जो है, फर्स्ट नोड जो हमारी न्यू नोड बनेगी, ये वाली जो इधर यहां पर, इसमें हम कुछ भी डेटा मान लेते हैं. जैसे डेटा है हमारा 12 है डेटा और यहां पर एक नल वैल्यू है, ये खाली है. इसका नाम है हमारा न्यू नोड. अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, अब हम चाहते हैं कि स्टार्ट जो है वो इस नोड को इंडिकेट करे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें एक टेम्प नाम की नोड लेनी पड़ेगी. इस तरीके से स्ट्रक्चर टाइप की टेम्प नोड. तो स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में जो कुछ होगा वो इसमें आ जाएगा. सरल भाषा में कहें कि टेम्प इक्वल टू स्टार्ट. इस तरीके से जो भी टेम्प का एड्रेस था वो स्टार्ट का एड्रेस था वो हमारा टेम्प में आ जाएगा. अब क्या होगा, टेम्प हो गया खाली, सॉरी स्टार्ट हमारा हो गया खाली. स्टार्ट में अब हम चाहते हैं इसका जो एड्रेस मान लेते हैं, जैसे इसका 50 था एड्रेस, इसका 100 था, इसका मान लेते हैं हमारा एड्रेस जो है वो 25 है. इस तरीके से एड्रेस है. अब हम अब इस यहाँ पे इस सिचुएशन में स्टार्ट हमारा जब खाली हो जाएगा, तो ऐसे में स्टार्ट में क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल टू
न्यू नोड, इस तरीके से। तो जो न्यू नोड का एड्रेस होगा वो किस में आ जाएगा, स्टार्ट में। तो जब हम ये ऐसा कर देंगे तो यहां पर जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन था, वो ये कनेक्शन अब हो जाएगा इससे, टेम्प के अंदर आ जाएगा 50 और स्टार्ट हो जाएगा हमारा खाली, यानी कि टेम्प से असाइन होने के बाद में अब टेम्प हो गया स्टार्ट के एड्रेस को रखने लगा है और स्टार्ट हो गया खाली। अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड को हमने किस में असाइन किया, इसमें स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट हमारा जो है स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है तो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर रखता है, तो न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। अब इस तरीके से क्या होगा कि न्यू नोड का एड्रेस हमारा कितना है, 25, तो 25 जो है वो हमारा इसमें आ जाएगा स्टार्ट में। अब न्यू नोड हमारी जो थी वो कहने के मतलब ये है कि वो फर्स्ट नोड के रूप में बन गई। अब और क्या किया, जो टेम्प का डेटा था, टेम्प में क्या डेटा था, टेम्प में था जो हमारी पहली वाली नोड थी इसका एड्रेस 50 जो था, ये एड्रेस था उसमें, तो ये एड्रेस जो था वो हमने न्यू नोड में डाल दिया यहां पर इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये इसका एड्रेस बन गया। तो इस तरीके से हमारा एक नया, और मैं यहाँ पे आपको एक और लाइन भी लिख के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। न्यू नोड को हमने किसका दिया, टेम्प का एड्रेस, तो यहाँ पर लाइन आएगी न्यू नोड के नेक्स्ट पर किसको डालना है, न्यू नोड के नेक्स्ट पे हमें डालना है टेम्प को, तो TEMP टेम्प, इस तरीके से। तो टेम्प में जो भी डेटा होगा वो न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाएगा, चाहे नेक्स्ट वाला पार्ट बोलो या इन्फो पार्ट बोलो, जैसे कि यहाँ पर ये पार्ट है इन्फो और ये है हमारा लिंक, लिंक और इन लिंक, और दूसरे शब्दों में कहें जो नेक्स्ट, वो मैंने एड्रेस के रूप में शब्द यूज किए हैं आपके लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और फाइनली हमारे नया लिंक लिस्ट बन जाएगा जो इंसर्टेड नोड के साथ होगा, जैसे कि इस तरह से। अब हमारे पास ये हमारा डेटा हो गया, ये 50 हो गया एड्रेस, इसका एड्रेस 25 है, इससे पहले हमारा आ जाएगा स्टार्ट आ गया, स्टार्ट के पास में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, इसके पास इसका एड्रेस कितना था, 50 था, तो इसके पास ये कनेक्शन जुड़ गया, फिर ये कनेक्शन जुड़ गया, इसका एड्रेस कितना था, 100 था, तो बैकस्लैश एन लास्ट में होगा क्योंकि ये नल को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर हमारा डेटा कितना था, 10, तो ये 10 आ गया, और यहाँ पे कितना था, 5। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक नया लिंक लिस्ट जो है बन जाएगा, जिसमें होगा क्या कि हम पहले से बने लिस्ट लिंक्ड लिस्ट में क्या करेंगे, उसके सबसे इनिशियल पॉइंट पे हम एक नई नोड या नया डेटा पॉइंट प्लेस करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। और यही चीज स्टूडेंट हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था कि लिंक लिस्ट में पहले से जो हमारा डेटा मौजूद हो, और यानी कि नोड जितनी भी मौजूद हो हम, और उन नोड से ठीक पहले किस तरीके से हम एक नई नोड को इंसर्ट करते हुए डेटा प्लेस करते हैं, तो आइए इसको हम अपनी कंप्यूटर की डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने पिछले वीडियो की तरह ही आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें स्ट्रक्चर में हमारे डेटा पार्ट एक ले रखा है मैंने, और दूसरा ले रखा है हमारा स्ट्रक्चर टाइप का एक लिंक एड्रेस ले रखा है, जो दूसरा आगे का एड्रेस रखेगा। अगर यही बाहर हम आते हैं यहाँ पर, ये देखें आप कि, तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले रखे हैं ग्लोबल, जो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल हैं आपके, एक ले रखा है हमारा स्टार्ट और दूसरा ले रखा है हमने अपना लास्ट। ऐसा क्यों, लास्ट और स्टार्ट इसलिए ले रखा है क्योंकि स्टार्ट तो हमारा लिंक लिस्ट के बिगिन में रहेगा, और जो लास्ट होगा वो हमारा लिंक लिस्ट के आखिरी में रहेगा।
ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी है कि ऐसा ये दो वेरिएबल मैंने क्यों लिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ग्लोबली हमने दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिए हैं, जिसमें पहला फंक्शन है आपका क्रिएट नोड फंक्शन, दूसरा फंक्शन है बिगिन नोड फंक्शन और तीसरा फंक्शन है डिस्प्ले। इन तीनों फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ जो क्रिएट नोड फंक्शन है इससे हम अपना नोड्स क्रिएट करेंगे, उनमें डेटा डालेंगे। बिगिन नोड का इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बिगिन में नोड इंसर्ट करना, और डिस्प्ले फंक्शन का काम आप समझ जानते ही हैं कि हाँ ये हमारे डेटा को डिस्प्ले कराता है। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में हमने एक इंट एन नाम से वेरिएबल ले रखा है जो कि नंबर ऑफ नोड्स इनपुट कराने के लिए यूज़र की सहायता के लिए हमने लिया है। इस तरीके से हमने इसको इनपुट कराया है, फिर क्रिएट नेट नोड फंक्शन को हमने कॉल किया है, उसमें आर्गुमेंट के रूप में एन को पास कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा आगे देखें तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाया है जिसमें लिख के आएगा कि डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद में डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, फिर से प्रिंट एफ के बाद में डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड, इसमें डेटा इज सक्सेसफुली डिस्प्लेड नाम का आएगा, मैसेज आपको प्रिंट होके दिखेगा। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, मिनिमाइज करके, ये देखिए। उसके बाद में आप देखें कि डिस्प्ले फंक्शन को फिर से मैंने कॉल किया है और फिर से मैसेज मैंने प्रिंट कराया है कि आफ्टर इंसर्टिंग बिगिन नोड डेटा इज डिस्प्लेड सक्सेसफुली। ये दो तीन मैसेज आपको प्रॉपरली इसलिए मैंने दिए हैं जिससे कि आपका ऑपरेशन लिंक लिस्ट पर होने के बाद में आपको कन्फर्मेशन मिल जाए कि आपका लिंक लिस्ट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद में आगे देखें क्रिएट नोड फंक्शन की डेफिनेशन आती है। यहाँ से हमने ये बिल्कुल सेम कोड वही ब्लॉक होता है जो कि आपको जो आपने यूज़र डिफाइंड लिंक लिस्ट बनाया था उसमें मिला था। यहाँ पर हमने न्यू नोड एक वेरिएबल ले रखा है स्ट्रक्चर टाइप का और दो डेटा टाइप ले रखे हैं इंट आई और एक डेटा नाम से जो कि इंटीजर टाइप के हैं। आई हमारा लूप चलाने के लिए, डेटा इंसर्ट कराने के लिए है नोड में, और स्टार्ट के लिए देखें यहाँ पर हमने एक मेमोरी लोकेशन किया है, और फिर हमने जो बिगिन नोड है हमारी यानी कि शुरू में जब लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसमें जो नोड होती है उसमें डेटा डालने के लिए हमने मेमोरी एलोकेट की है। फिर हमने इफ़ स्टार्ट इक्वल नल ऐसे करके चेक कराया कि क्या मेरा स्टार्ट को मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो लिख के आएगा मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड। अगर मेमोरी एलोकेटेड हो गई है दूसरी तरफ कंडीशन जाते हैं तो हमारे पास मतलब यूज़र को मैसेज मिलेगा एंटर डेटा फॉर फर्स्ट नोड और डेटा इंसर्ट कराएगा। स्टार्ट के डेटा पार्ट पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा, स्टार्ट के नेक्स्ट पे नल आएगा और लास्ट में स्टार्ट को असाइन कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही मेमोरी को इंडिकेट करेंगे और साथ ही साथ लास्ट हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर लास्ट को लास्ट का नेक्स्ट दे दिया ताकि ये खुद की रेफरेंसिंग करें, और जो आगे हमने लूप लिया है फॉर लूप, ये देखें आप, इसमें क्या किया है उसी न्यू नोड जो हमने अभी वेरिएबल लिया था क्रिएट नोड के फंक्शन के शुरू में, इसमें मेमोरी बार बार जनरेट की है, डेटा इंसर्ट कराया है, ये देखें डेटा इंसर्ट करा रखा है। उसके बाद में अगले इन्फो पार्ट पे हमने नल डाला है, फिर लास्ट के नेक्स्ट पे हमने न्यू नोड को डाल दिया क्योंकि लास्ट का नेक्स्ट जो है वो हमारा एड्रेस पार्ट है और एड्रेस पार्ट पे न्यू नोड का एड्रेस असाइन हो जाएगा। फिर लास्ट को लास्ट का नेक्स्ट दे दिया जैसा कि हमने स्टार्ट के साथ किया था, यहाँ पे ये असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद में अब क्या होगा कि बार बार जितने बार हमारा लूप ट्रू बना रहेगा उतने बार ये ऐसे ही चलता रहेगा, और जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर हो जाएगा। आगे बिगिन नोड का प्रोग्राम देखते हैं यानी इसकी कॉलिंग देखते हैं, जब हमारा क्रिएट नोड हो जाएगा फिर बिगिन नोड की कॉलिंग होगी। तो इसमें देखें यहाँ पे डेटा टा एक वेरिएबल ले रखा है, एक यहाँ पे भी हमने इनिट नोड लिया है, ये आपके सरलता के लिए लिए, इनिट नोड का मतलब है बिगिन नोड सरल भाषा में, और एक टेम्प नोड लिया है जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताया था कि टेम्प नोड की क्या ज़रूरत पड़ेगी, इनिट नोड की क्या ज़रूरत है, ये मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन बोर्ड पे जो मैंने नोड ली थी उसका मैंने नाम लिया था न्यू नोड, तो उसी नोड का नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इनिट नोड। तो इनिट नोड के लिए हमने मेमोरी जनरेट की और
स्टार्ट का जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस था वो टेम्प को दे दिया। ये मैंने आपको बोर्ड पे करके भी दिखाया था। इफ़ इनिट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर इनिट नोड को मेमोरी मिल गई है और अगर वो नल नहीं है, मतलब खाली नहीं है, तो हमें डेटा, हमारा डेटा स्कैन हो, स्कैन होने के बाद में इनिट नोड के डेटा पार्ट पे डेटा पड़ जाए, इनिट नोड के नेक्स्ट पे नल पड़ जाए, और स्टार्ट में क्या हो, स्टार्ट हमने यहाँ पर देखें आप टेम्प में, हमने स्टार्ट में जो कुछ था वो हमने किस में डाल दिया था, टेम्प में, यहीं पे खाली कर लिया था, आपको दिख रहा होगा। फिर हमने स्टार्ट जब खाली हो गया था उसमें हमने इनिट नोड डाल दी और इनिट नोड के नेक्स्ट पे हमने इंसर्ट को डाल दिया। ये चीज़ मैंने आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे समझाई है स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ को। और इसी तरीके से डिस्प्ले फंक्शन बार फिर मैंने कॉल कर दिया कि हाँ डिस्प्ले फंक्शन में वही कंडीशन है जो लिंक लिस्ट में सिंपली होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट को चेक कराया है कि क्या हमारा स्टार्ट अभी तक जो हमने डेटा इसमें डाला है वो है या नहीं, इस चीज़ को चेक कराया। फिर लास्ट इक्वल स्टार्ट कर दिया, क्यों, लास्ट और स्टार्ट बेटा जो हैं हमारे वो कैसे वेरिएबल हैं, वो हमारे ग्लोबल स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल हैं, इसलिए क्या होगा ये वेरिएबल प्रोग्राम के किसी भी मॉड्यूल में आसानी से कॉल हो सकते हैं। उसके बाद में मैंने व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल लूप क्यों चलाया, व्हाइल लूप जब चलाते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि हमारा कितने बार लूप चलेगा, यानी कि अननोन टाइम के लिए लूप चलना होता है, तो हम व्हाइल लूप चलाते हैं और उसके बाद में लास्ट के जो डेटा पार्ट को बार बार प्रिंट कराया है और लास्ट को लास्ट का नेक्स्ट हर बार में असाइन किया ताकि हर बार में अगली नोड पे जंप होता चला जाए और डेटा प्रिंट होता चला जाए। और लास्ट में एक कंडीशन वो आएगी कि लास्ट में क्या होगा, लास्ट नल पे पहुंच जाएगा, और जब ये कंडीशन होगी कि व्हाइल लास्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जबकि लास्ट में क्या होगा नल, और नल नल के बराबर नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स होगी और इस तरीके से आपका पूरा लूप का जो डिस्प्लेइंग फंक्शन का काम है वो पूरा हो जाएगा और इस तरीके से लूप फॉल्स होगा और फाइनली आपका प्रोग्राम चलेगा। तो आइए स्टूडेंट अब इस प्रोग्राम को हम आपको रन करके दिखाते हैं। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया हमारा, कोई एरर नहीं आई, अब इसको हम रन करके दिखाते हैं। तो रन करने पे देखें यहाँ पर ये क्या है हमसे, ये देखिए ये हमसे यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स को इनपुट करने के लिए मांग रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स इनपुट कर देते हैं सपोज दैट 4। उसके बाद में अब हमसे डेटा मांग रहा है फर्स्ट नोड के लिए, मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ, इस तरीके से हमारा डेटा एंटर हो गया। अब हम ये हमसे कह रहा है कि एंटर, ये देखें ध्यान से, एंटर डेटा फॉर बिगिन नोड, यानी कि जो आप शुरू में नोड बनाना चाहते हैं उसके लिए डेटा रखें। तो हम यहाँ पर डेटा डाल देते हैं सपोज दैट 100, और इसके बाद फिर से हम अपना लूप, मतलब डिस्प्ले फंक्शन हमारा फिर से कॉल होगा और हमें डेटा दिखेगा आफ्टर इंसर्शन डेटा इनटू बिगिन नोड के बाद में, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से डेटा आ गया, इस तरीके से ये देखिए डेटा हमारा हमें दिख रहा, ये नया डेटा हो गया। और पहले हमने डेटा जो इनपुट किया था वो ये देखिए इस तरीके से था 1 2 3 4, और बिगिन नोड पे जब हमने 100 डेटा इनपुट किया था, देखिए एंटर डेटा फॉर बिगिन नोड 100 इनपुट किया था, और उसके बाद में इसके बाद में एक बार फिर से हमने डिस्प्लेइंग की तो हमारा जो नया लिंक लिस्ट था जो बिगिन नोड इंसर्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके से डेटा रखता है। उसके बाद में हमने लास्ट में ये मैसेज आपके सरलता के लिए प्रिंट कराया है जिसमें लिखा है आफ्टर इंसर्टिंग बिगिन नोड डेटा इज डिस्प्लेड सक्सेसफुली, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका लिंक लिस्ट जो बिगिन नोड इंसर्ट करने का काम था वो सफलतापूर्वक हो गया। तो स्टूडेंट आई होप दिस विल गेट प्रॉपरली, आपने इसको अच्छे से पाया होगा, यानी कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।